A very good morning to the students of class 7. Today we are going to start up with a new chapter, chapter 6, pop music. Warming up. Today we all are fond of music. Elders as well as children like to hear and sing songs. Music gives relief from stress. तो जैसे कि आप बच्चों students आप जानते हैं pop music मतलब होता है कि music जिसमें आपका साउंड्स होता है जो अगर सिर्फ अगर हम पॉप हटा दें और म्यूजिक के कंसर्न में हम बात करें तो म्यूजिक क्या होता है गाना. जब भी आप बहुत आपका मूड सैड होता है तब आप सॉन्ग सुनते हो, जब आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो तब आप सॉन्ग सुनते हो, जब आप बहुत खुश होते हो तब आप सॉन्ग सुनते हो. तो सॉन्ग्स एंड म्यूजिक इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपका जब मन होता है आप सॉन्ग सुनते हो, 15 अगस्त में तब सॉन्ग सुनते हो, सॉन्ग बजते हैं रिलीजियस देशभक्ति के सॉन्ग बजते हैं, रिलीजियस सॉन्ग गाए जाते हैं और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जो कि जिन्होंने गाया है और आप उन सॉन्ग्स की कॉपी करके आप उसको अपनी वॉइस में भी गाते हो. तो पॉप म्यूजिक बहुत ज़्यादा फेमस म्यूजिक है और आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही वो बहुत ही फैला हुआ है, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं और सुनना बहुत पसंद करते हैं. तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं और अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. मैं कोशिश करूँगी साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊँ और आपको समझ में भी आए. लेट्स रीड. पॉप और पॉपुलर म्यूजिक इज फॉर्म फ्रॉम मेनी म्यूजिकल स्टाइल. तो किससे बना होता है? म्यूजिकल स्टाइल से बना होता है. इट इज मेन फॉर अ जनरल ऑडियंस रैदर देन अ पर्टिकुलर कल्चर और रीजन. तो इसका मतलब पॉप म्यूजिक किसके लिए बना होता है? ऑडियंस के लिए बना होता है रैदर देन अ पर्टिकुलर कल्चर और रिलीजन. एंड इट अपील्स टू different types of people. वो appeal करता है different types of people को, हर तरह के लोगों को. popular music is also easily available to the public as it is recorded and sold. तो जो popular music होता है बच्चों, जो भी आपको बच्चे जो आजकल के जो बच्चे जो songs सुनना पसंद करते हैं वो easily available इसलिए हो जाता है public को के लिए recorded होता है और फिर इसको बेच दिया जाता है, sold किया जाता है जिसके हम सब जैसे लोग उस song को सुन सकें. इन दी अर्ली 19th century दी ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ द कॉमन पीपल व कॉल्ड पॉपुलर सॉन्ग. तो जो 19th century की अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग हुआ करते थे ऑफ द कॉमन पीपल वर कॉल्ड पॉपुलर सॉन्ग कहते थे उसे. पॉपुलर सॉन्ग्स आर ऑल्सो नोन एज फोक सॉन्ग्स. पॉपुलर सॉन्ग को हम फोक का सॉन्ग्स का नाम भी दिया जाता है. टुडे पॉप म्यूजिक इज द म्यूजिक दैट इज शॉर्ट एंड सिंपल. पॉप म्यूजिक क्या होता है? जो कि शॉर्ट और सिंपल होता है वो पॉप म्यूजिक होता है. इट रिपीट्स द सेम नोट ओवर एंड ओवर अगेन सो दैट इट कैन इजिली बी अंडरस्टूड एंड एन्जॉय बाई द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल. जैज, रॉक, पॉप एंड हिप हॉप आर द सम फॉर्म ऑफ पॉपुलर वेस्टर्न म्यूजिक. जैसे कि आप कोई भी सॉन्ग सुनते हो आप उसके स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो. तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा माहिर है हर चीज़ों में, बहुत एक्सपर्ट हैं और वो कोई भी सॉन्ग अगर आप टीवी छोटे छोटे बच्चे अगर आप देखे होंगे सॉन्ग्स को देखते हैं तुरंत ही उसे कॉपी करते हैं, गाने भी लगते हैं और साथ में उनका डांस फॉर्म भी हो जाता है. तो ये सब इसके पॉप म्यूजिक के अंदर क्या होता है? जो शॉर्ट होते हैं और सिंपल होते हैं, दैट्स कमन अंडर दी पॉप म्यूजिक. दी मास मीडिया सच एज रेडियो एंड टेलीविजन हेल्प दिस काइंड ऑफ म्यूजिक रीच अ वास्ट नंबर ऑफ पीपल. ऑफन टैलेंटेड बट अननोन बैंड्स क्रिएट म्यूजिक वीडियो. आप सब जानते हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत टैलेंटेड पीपल्स आज के टाइम में दिखने को बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सॉन्ग गाते हैं जिनकी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल होती है और बहुत हिडन उनका टैलेंट होता है जो धीरे धीरे करके उभर रहा है हमारी सोसाइटी में, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. रिलीज एल्बम एंड बिकम अ क्रेज ओवर नाइट. एक रातों रात में वो बहुत ज़्यादा क्रेज हो जाते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं, स्पेशली विद टीनेजर्स. टीनेजर्स के बच्चे, आप जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं स्लोली, बहुत अच्छा है, आप भी करिए, पढ़ाई भी करते रहिए. बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी पॉप म्यूजिक हैज़ ग्रोन इनटू अ ह्यूज इंडस्ट्री अर्निंग एन इवन बिगर प्रॉफिट ई सक्सेसिव. ये मतलब कि हर साल ऐसे बहुत से म्यूजिक बनते हैं बच्चे, ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे जो गाना गाते हैं जैसे कि वो फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे और प्रॉफिट भी काफ़ी इंडस्ट्री में अर्न कर रहे हैं. पॉपुलर म्यूजिक इज डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल म्यूजिक. जो पॉपुलर म्यूजिक है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है क्लासिकल म्यूजिक से. विच वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड टू वी प्लेड इन चर्च और टू द नोबिलिटी. जैसे कि जो हम लोग जो हमारे रिलीजन सॉन्ग होते हैं, जो हमारी आरती होती है, वो सब डिफरेंट होती है पॉपुलर म्यूजिक में और वो गाने उसी के बनते हैं जैसे जो वो गाने बनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं. तो बच्चे जैसे कि सलमान खान के गाने के बड़े फेमस हैं. इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक विच वॉज क्रिएटेड बाई ऑर्डनरी पीपल फॉर देर ओन एन्जॉयमेंट. तो ये डिफरेंट है साधारण लोगों के एन्जॉयमेंट से जो नॉर्मल पीपल सुनना चाहते हैं. तो इसके लिए बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी. होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू. थैंक यू सो मच.